शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अबे चुप, ये साला मेरी टांगे तोड़ने के लिए इंडिया से गुंडे लेके आया है। नहीं, 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 क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। या तो मेरे अस्पताल का खर्चा चुकता कर या फिर उस गुंडे को मेरे सामने पेश कर। कहाँ पहचानना क्या है, छठी मंजिल पे अकेला हूँ, आओ ना। कहाँ? ऊपर 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 चल। कहाँ ले जा रहा भाई मेरी टांगे? जब मैं तुम लोगों से मिलने थिएटर आई थी तब विक्रम भी वहां मौजूद था। निशा की मौत की तुम एक लौती गवाह हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं देख सकता। विक्रम! उसने विक्रम पे गोली चलाई और वो जख्मी हालत में भागते हुए आप लोगों के पास आ पहुंचा। थी, उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उसने ये भी पता कर लिया कि मैं कहां रहती हूं। मैं तुम लोगों के पास भी नहीं आ सकती थी मदद मांगने। उसने तुम्हें भी खून के इल्जाम में फंसा लिया था। तब मैंने अपनी दोस्त शीतल की मदद ली टिकट खरीदने के लिए, इससे पहले कि वो मुझे जान से मार दे मैं इंडिया वापस चली जाऊं। अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि पुलिस कमिश्नर विक्रम चौहान का खून क्यों करेगा। पंचे ये मैं भी नहीं जानती क्यों। मैं बताता हूं, क्योंकि निशा मेरी एकलौती बहन थी। माँ बाप के मरने के बाद मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो एक लड़के से प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती। उस लड़के का नाम था विक्रम चौहान। मैंने कभी अपनी बहन की बात नहीं कहती, पर मैंने उनकी शादी करा दी। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी बहन की दिमागी हालत बिगड़ने लगी, तो फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसने अपने आप को जला कर मार डाला। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब उसके खून में ड्रग्स पाया गया। जब मैंने तहकीकात शुरू की तो ये बात सामने आई कि मेरी बहन की दौलत पाने के लिए विक्रम उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देता था। इसी वजह से मेरी बहन ड्रग्स की आदी हो गई थी। इससे पहले भी विक्रम की शादी हो चुकी थी। उसने मेरी बहन का खून सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए किया था। जब मैंने विक्रम से बात की, हो सकता है जो तुम बोल रहे हो वो सच हो। अब दौलत तो मेरी हो ही चुकी है, फिर मुझे मारकर अपने आप को सूली पर चढ़ाकर अपने बच्चों को अनाथ करना चाहते हो क्या? उस पल से मैं उसकी तलाश कर रहा था। उस दिन जब मैं थिएटर पर आया तब मैंने उसे देखा। तकदीर अच्छी थी कि आप लोगों ने अनजाने में उसकी लाश को एयर कंडीशनिंग रख लिया, जहां से वो सरकती हुई स्टेज पर आ गई थी। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बहन के कत्ल में विक्रम का साथ दिया था, तो तुम दोनों को भी नहीं जिसके खून की गवाह। मैं आपकी जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ। ये लड़की कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है। बोलना गूंगी है क्या? बोलना, बंदूक है उसके हाथ में, बोलना भी हूँ क्या करी? बोल। थक गया। इधर गए साले बंटी बाबला। भाई कहाँ लेकर आए तुम यार? कहाँ वो? मैंने उनको ऊपर जाते हुए देखा था। पंछी बनकर हवा में उड़ गया क्या वो? मुझे क्या मालूम? करो तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं उसकी टांग तोड़कर आता हूँ। Yes, वो यहाँ से निकले तो उसको पकड़ लेना। Okay, चल, चल, चल। अरे मेरा क्या होगा? मर जा तू। मैं हूँ ना। अरे तू क्या है यार? मैं हूँ ना।
बंटिया। गुरु चल। कितने साल पुरानी होगी ये? यही शेर खान है। यस बॉस। लेकिन उसके हाथ में ना बैग है ना पैसा है। अरे चेक क्या डिमांड रख रहा होगा, जाके पूछो उसे। यस बॉस। डिमांड ड्राफ्ट है क्या? पैसा 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 पैसा। ये तेरे बाप की बिल्डिंग का पैसा मांग रहा है? माल का पैसा। पुड़िया पुड़िया पुड़िया। अरे खिसक गया है क्या बाबले? पुड़िया 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 है। तगला गया लगता है। आप शेरखान है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बताइए ना, आप ही शेर खान है ना? नहीं, मैं उसका ससुर हूँ, ससुर। ओ माय गॉड, हमें आपके दामाद से मिलना है। आपका दामाद कहाँ है? मर गया। कब? अभी अभी एक मिनट पहले मर गया। कैसे? चॉकलेट खा के। अरे क्यों मेरा घर खाते हो यार, तुम लोग कौन हो भाई? बंटी तो मिला नहीं, ये अजीब लोग कौन है? बस इन्हें मालूम होगा बंटी कहाँ है, यही तो मेरा बॉस है। बॉस? ये सब उसको बॉस बोल रहे हैं, यानी कि सब खुफिया पुलिस है, इन्हीं ने शेर खान को पकड़ा है। यहाँ कैसे चंपक भाई? पकड़ो साले को, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। बॉस, हमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। बॉस Yeah.
बोलो जरा। वेरी गुड। कैसे है सर? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये रहे आपके पासपोर्ट्स। धन्यवाद। जब भी ठीक हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं। हाँ। मिलेंगे कभी दुनिया के किसी कोने में। कोने में मिलेंगे, खाट पे नहीं। थैंक यू।